नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं और सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि अब होली की शुरुआत हो चुकी है। होली का इतिहास जितना पुराना है, बाबा नगरी में हरिहर मिलन की परंपरा भी उतनी पुरानी है और होलिका दहन से पहले यहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ हरिहर मिलन होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण यानी हरि और भगवान शिव यानी हर का होली मिलन होता है और उसी के उपलक्ष में यहाँ होली मनाई जाती है। परंपरा के अनुसार आज दोपहर को भगवान हरि की प्रतिमा को पालकी पर बिठाकर दोल मंच पर ले जाया जाएगा। बाबा मंदिर स्थित राधे कृष्ण मंदिर से पालकी पर बिठाकर भगवान को नगर भ्रमण कराते हुए आजाद चौक स्थित दोल मंच लाया जाएगा। यहाँ झूला झुलाकर हजारों भक्त अबीर अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम को होलिका दहन किया जाएगा। पुनः पालकी पर सवार होकर हरिहर मिलन का कार्यक्रम किया जाएगा। देवघर वासी जब बाबा बैद्यनाथ और हर का मिलन होगा, उसके बाद शाम से ही होली मनाना शुरू कर देंगे। तो शाम को होली होगी, बाबा को पालकी पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाएगा। तो हरिहर मिलन की तैयारी में इस वक्त देवघर बाबा बैद्यनाथ के प्रांगण में हजारों हजार भक्तों का जुटान हुआ है। भक्त आज जश्न में तल्लीन हैं और उस वैमनस्यता की गांठ को खोल रहे हैं, उस सांप्रदायिक ताकत को, उसकी दीवार को गिरा रहे हैं इस होली के खूबसूरत रंगों गुलालों से। तो आज झारखंड के हिंदुओं के लिए, झारखंड के सभी धर्मों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक भूमि देवघर में आज भक्तों का जुटान हुआ है। तो ये मनोरम दृश्य है, ये मनोहर दृश्य है और ये खुशनसीबी है आज झारखंड के न्यूजीलैंड भारत के तमाम दर्शकों का भी, जो फिलहाल इस वक्त बाबा का टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ दीप नारायण देवघर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीप नारायण, कितनी तैयारी है? हरिहर मिलन होना है, भक्तों का जुटान हुआ है और हिंदू का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है देवघर। तो देवघर में क्या कुछ तैयारी है, तस्वीरों के झरोखों से आज हमारे दर्शकों को दिखलाएं। बिल्कुल, देखिए कि जब पूरे देश में होली का माहौल है, होली की रंगों की बौछार सब तरफ देखने को मिल रही है, लगातार होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन देवों की नगरी देवघर जो कि एक सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ की अलौकिक जितनी भी परंपराएं हैं हर एक पर्व त्यौहार में, वो अन्य मंदिरों से देवघर को भिन्न करती है। देवघर में होली का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन यहाँ की एक खास परंपरा रही है जो कि मंदिर से जुड़ी हुई है, वो है हरि और हर का मिलन। हरि और हर का मिलन का मतलब आप समझ लें कि हरि मतलब भगवान विष्णु होते हैं और हर मतलब भगवान शिव होते हैं। शिव और विष्णु के मिलन के रूप में भी यहाँ पर होली का उत्सव मनाया जाता है और इसके लिए मंदिर में एक अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जाता है कि यहाँ पर विष्णु को शिव के जो शिवलिंग है यहाँ पर उनके ऊपर रखा जाता है और अबीर गुलाल के साथ दोनों का मिलाप कराया जाता है। तो कुल मिलाकर कह लीजिए इसी को होली का ये हरि और हर मिलन माना जाता है और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर होली की खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाते हैं। लेकिन हरि और हर का जो ये मिलन का ये समारोह है, यही देवघर को अन्य मंदिरों और अन्य शहरों से भिन्न करती है, जिसके लिए मंदिर पर व्यवस्थापक और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि ये जो पूरी परंपराएं होती है वो पुजारी समाज के द्वारा निभाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से भगवान विष्णु के इस रूप को लेकर, इनकी मूर्ति को लेकर भ्रमण किया जाता है, इनको अबीर लगाने के लिए, इनके जो इनको झूला झुलाया जाता है उनको झुलाने के लिए भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं और इसके बाद ही यहाँ की वो अन्य परंपराएं जो अबीर गुलाल खेलने की है वो निभाई जाती है। तो बाबा मंदिर में ये एक अनोखी परंपरा है जिसका निर्वहन आज किया जाएगा। हालांकि तिथियों के अनुसार अब
रात्रि के तकरीबन 1:30 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होगा। और इसके आधार पर जिस तरीके से होली मिलन, होली का जो ये पर्व है, इसके लिए 2 तिथियां अब निर्धारित हो गई है, 18 और 19 को। लेकिन देवघर की बात कर ले तो हरिहर मिलन के बाद ही होली का पर्व मनाया जाता है दूसरे दिन। तो आज 1:30 बजे के करीब यह उत्सव संपन्न होगा हरि और हर मिलन का, तो संभवतः कल यहाँ होली मनाई जाएगी। हालांकि इसमें भी काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन जिस तरीके से वो हरिहर मिलन के बाद ही मनाया जाता है उसके अनुसार मान ले तो कल होली का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। जी दीप नारायण, कहा जाता है कि जब नाथ का नाम दया निधि है फिर दया भी करेंगे कभी ना कभी, और दया के पात्र तो आज वे तमाम भक्तगण हैं जो फिलहाल बाबा के प्रांगण में, दरबार में, आंगन में, चौहद्दी में इस वक्त डेरा डाले बैठे हैं, अबीर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस वक्त विजुअल के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या कुछ माहौल है इस वक्त देवघर में, कितनी तैयारियां हैं और कितना जोश है होली को लेकर, कितना उत्साह है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अनोखी है क्योंकि लगातार धूप भी बढ़ रही है, तो मंदिर प्रांगण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग मांगलिक कार्य के लिए भी आ रहे हैं, जनेऊ मुंडन का भी कार्य संपन्न हो जा रहा है, और जितने भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये भी अबीर गुलाल से। ये बाबा मंदिर का तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं पार्वती पति महाशिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव, कितनी नामों से सुसज्जित हैं हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान भोलेनाथ। तो दीप नारायण, आज पुलिस प्रशासन की कितनी मौजूदगी है वहां पर, सुरक्षा के कितने इंतजाम किए गए हैं? देखिए सुरक्षा की अगर बात कर लें तो अक्सर जो यहाँ पर भीड़ उमड़ती है वो रविवार और सोमवार को उमड़ती है, लेकिन खास दिनों में खास भीड़ उमड़ कर आती है। और जिस तरीके से यहाँ पर हरि और हर के मिलन को देखने के लिए, इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए, इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इसके लिए प्रशासन की ओर से पुलिस व्यवस्था दी गई है, दूसरी तरफ से दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। और एक और बात आपको बता दें कि शीघ्र दर्शनम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि लोग लंबी कतार में नहीं खड़े हों, क्योंकि ये 500 रुपये शुल्क अदा कर कम समय में दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे में लोगों को जब ये शीघ्र दर्शनम का पास लेंगे तो उन्हें कम से कम समय में दर्शन करना। जाहिर तौर पर कम से कम समय में दर्शन मिल जाए, जिसके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जाए, कम से कम समय में मिल जाए, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और दूसरी तरफ से आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो तुरंत अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर दर्शन करें और अपने गंतव्य की ओर लौट जाएं, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और अभी से ये लाखों की संख्या में, जो हजारों की संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, और जितने भी लोग आ रहे हैं वो बाबा दर्शन के बाद एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुरुआत यहाँ से कर दे रहे हैं। जी जाहिर तौर पे दीप नारायण, तो बाबा का दरबार खुला है और बाबा के दरबार में मत्था टेकने, अबीर लगाने, रंग गुलाल लगाने जो है आज भक्त पहुंचे हैं, जाहिर तौर पे एक मनमोहक तस्वीर है। और आज पूरी दुनिया की भी नजर जिस तरीके से काशी पर होती है, ठीक वैसी ही नजर आज बाबा बैद्यनाथ पर है। तस्वीरों के माध्यम से आप दिखला रहे हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दर्शन आज तमाम दर्शक जो है वे कर भी रहे हैं। तो आज भोलेनाथ पार्वती पति महाशिव शंकर का हरिहर मिलन होने जा रहा है, पालकी पर बिठाए जाएंगे। दीप नारायण हमारे साथ देवघर से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को बतला रहे हैं कि कितनी पुरानी परंपरा है हमारे देवघर में, और उस पुरातन संस्कृति का आज निर्वहन करते हुए वहां पंडा भी हैं, पुजारी हैं, भक्तगण हैं। तो बाबा का दर खुला है और खुला ही रहेगा, और बाबा के दर पे आज हजारों हजार भक्तगण पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है भगवा के भेष में आज भक्त पहुंचे हैं, महिलाएं भी आज भगवा धारण की हैं, पुरुष भी आज भगवाधारी पहने हैं, तो भगवाधारियों का जुटान हुआ है।
और होली का त्योहार है जहां उस वैमनस्यता की गांठ को खोलने की आज पुरजोर कोशिश होगी, उस सांप्रदायिक ताकत के द्वारा उठाई गई उस दीवार को तोड़ने की पुरजोर कोशिश होगी, इस देश की कौमी एकता को बरकरार रखने के लिए आसमान में रंग उड़ाए जाएंगे, अपने बड़े लोगों के पैरों को छूकर आज छोटे लोग सुखी संपन्न हो जाएंगे। यही तस्वीर है, यही मनमोहक तस्वीर है और यही हिंदुस्तान के पुरातन संस्कृति की तस्वीर है जो बतलाती है कि देवघर, देवभूमि आखिरकार क्यों कही जाती है। तो आज मुंडन का काम भी हो रहा है, शादी विवाह को लेकर लोग अपने कार्ड को बाबा को निमंत्रण देने के लिए आज अपने कार्ड को लेकर बाबा के दरबार भी पहुंचे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो आज बाबा के चरण स्पर्श कर अपने इस पूरे जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। तो हरिहर मिलन के साथ देवघर में होली की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और देवघर से तमाम तस्वीरें दीप नारायण हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तस्वीरों के झरोखों से ये बतलाने की महज इस कोशिश भर है कि पुरातन संस्कृति आज भी खत्म नहीं हुई है। एक समाज जहां डीजे के दौर में, जहां फगुआ के दौर में लोग डीजे पर नाच गाना कर रहे हैं, उस दौर में भी आज किस तरीके से हम फगुआ गा रहे हैं, अपने इष्ट देवता को याद कर रहे हैं, पूरी तस्वीर वाकई दीप नारायण बेहद मनमोहक है। दीप नारायण कितनी आबादी होगी इस वक्त वहां बाबा के प्रांगण में, कितने लोग पहुंचे होंगे? तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएं और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि कितने लोग आज बाबा के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बाबा के दर्शन के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं होता है, भक्त अनायास ही यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बिल्कुल। और जब बात होली की हो और बाबा के साथ पहले होली खेलकर अपने परिजन के साथ होली खेलने की बात हो तो भक्त इस मौके को चूकना नहीं चाहते और यही कारण है कि आज तकरीबन, आपको बता दें कि तकरीबन 40,000 से ज्यादा भक्त आज यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि दूर दराज के लोग हैं जो आप समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहते हैं, ऐसे में पहले सुबह से ही भीड़ थी लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ घटेगी और जब हरी और तो जाहिर तौर पे समय आएगा, पूरी तस्वीर है और पूरी तस्वीर के झरोखों से आपने दिखलाने की पुरजोर कोशिश की है कि देवघर में होली मिलन, हरिहर मिलन को लेकर कितनी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप नारायण तमाम जानकारी। इसके साथ साथ आपको दिखलाते हैं जमशेदपुर से पूरी तस्वीर जहां इस वक्त हमारे संवाददाता प्रवीण भी जुड़े हुए हैं और दिखलाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको कि होली मिलन समारोह के दौरान किस तरीके से माहौल सजा है। तो जमशेदपुर में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, कितनी तैयारी है होली को लेकर और क्या कुछ हो रहा है जमशेदपुर में, हमारे पूरी तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखलाएं। आकाश, इस समय हम जमशेदपुर के जुगसलाई, जो नया बाजार है जहां हाट लगता है, उस स्थान पर खड़े हैं और ये पूर्वजों के समय से ये जो स्थान है ये होलिका दहन के लिए अपने आप में मशहूर है क्योंकि ये जो स्थान है यहां शहर के कोने कोने से लोग एकत्रित होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो पूजा कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं क्योंकि अब होलिका दहन के बाद जो है पूरा देश जो है वो रंगों में डूब जाएगा। विभिन्न रंगों की जो तैयारी इतने दिनों से लोगों ने होली की तैयारी कर रखी थी में जो है पूरा देश डूब जाएगा, तो बस ये होलिका दहन जो है एक शुरुआत है। जब होलिका दहन की शुरुआत, होलिका दहन हो जाने के बाद जो है लोग रंग खेलना शुरू करते हैं। हम इस समय जुगसलाई नया बाजार परिसर में खड़े हैं जहां बाजार हाट लगता है और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रही है और थोड़ी देर बाद ये पूरे क्षेत्र में जहां होलिका दहन होना है उसकी परिक्रमा करेंगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूते से चारों तरफ बांधा जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि होलिका दहन के बाद ही यहाँ होली की शुरुआत हो जाएगी। और इस बार आकाश सबसे असमंजस की स्थिति ये है कि होलिका दहन जो है वो रात्रि देर रात 1 बजे के बाद, 1 बजे के लगभग होना है, तो ऐसे में क्या है कि दूसरे दिन 18 को भी लोग होली मनाएंगे और 19 को भी होली का त्योहार मनाएंगे, तो एक असमंजस की स्थिति है। लेकिन तैयारी जो है वो पुरजोर से शुरू है। हमारे साथ यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी हैं जो किस कारण से ये होलिका दहन में क्या कुछ ये खास करती हैं और क्या तैयारी रहती है, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि
आज जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, किस लिए उपस्थित हुए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? ये हम लोग होली पूजन करने आए हैं। हमारे मारवाड़ी समाज में एक डांडा रोपण कहा जाता है, वो होली के 8 दिन पहले यहाँ लगाया जाता है, हम लोग उसी की पूजा कर अर्चना करने आते हैं। क्या कामना करते हैं होलिका जो दहन होती है उस पर, आप परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए क्या कामना? हाँ जी, हम अपने पूरे परिवार के लिए, सबके लिए ये कामना करते हैं कि भगवान पूरे साल अच्छा से जाए, जो बुराइयां हैं वो उसमें जल के नष्ट हो जाए और अच्छाइयां का आगमन हो, इसके लिए ये पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जो पूजा आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, गोबर के कंडे का भी प्रयोग करते हैं, चने का भी प्रयोग करते हैं, फिर सूते से बांधते हैं, वो क्या है? सूता कच्चा सूत का जो सूत बांधा जाता है, ये इसको होलिका को बांधने के बाद में पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए सूत बांधा जाता है। फिर ये सूत को घर में ले जा करके हम लोग इसका धागा बना करके अपने गले में बांधते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, कि हमारा पूरा परिवार पूरे साल तक एकदम स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, और पूरे समाज के लिए हम लोग एक कार्यक्रम रखा जाता है। देखा आकाश आपने की जो तैयारियां हैं वो वर्षों से इंतजार रहता है कि आज के दिन यहाँ होलिका दहन होना है। होलिका दहन के दौरान जो है महिलाएं जो हैं पूरे पारंपरिक परिधान में यहाँ उपस्थित होती हैं और पूजा अर्चना करती हैं, इस होलिका दहन वाले स्थल की परिक्रमा करती हैं और ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना करती हैं कि होलिका दहन के साथ जितने भी रोग हैं, जितने भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं, शारीरिक समस्याएँ, मानसिक तनाव, वो सारा जो है होलिका दहन के साथ उनका दूर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है आकाश की, इस वर्ष जो है, इस वर्ष एक असमंजस की स्थिति जो है वो देशवासियों के लिए है, शहरवासियों के लिए है, लेकिन लोग फिर भी उसमें आनंद उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि होलिका दहन जो है वो रात्रि देर रात 1 बजे के बाद होगी और उसके बाद जो है होली, जो है होली का त्योहार जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी 18 और 19 दो दिन इस बार होली का त्योहार मनाया जा रहा है। हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि होली की तैयारी जो है, ये जो नया बाजार है, ये वर्षों से, मतलब 50 वर्ष से ऊपर जो है यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, पूर्वजों के समय से यहाँ लोगों का आना जाना होता है, महिलाएं जो है पारंपरिक परिधान के साथ, क्योंकि भद्रा जो है वो 12-1 बजे के बाद भद्रा लग जाएगा, 1 बजे के बाद भद्रा लग जाने के बाद पूजा अर्चना नहीं हो सकती, इसलिए 1 बजे के पहले महिलाएं जो है वो पारंपरिक परिधान में घर से आती है। खासकर मारवाड़ी समाज की अगर हम बात करें तो पूरे जमशेदपुर से, चाहे वो साक्ची हो, चाहे वो बिष्टुपुर हो, कदमा हो, सुंदर नगर हो, परसुड़ी हो, ये क्षेत्र जो है जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस स्थान पर पूरे जमशेदपुर का सबसे बड़ा होलिका दहन जो है वो इस स्थान पर यहाँ आयोजन होता है। वैसे पूरे जमशेदपुर में छोटे छोटे स्तर पर विभिन्न स्थानों में होलिका दहन का आयोजन किया गया है, जो देर रात्रि होलिका दहन की जाएगी। सबसे बड़ी बात है आकाश की, कुछ समाज के जो लोग हैं वो 18 तारीख को होली मना रहे हैं और कुछ जो है 19 को मना रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अभी जो ये है भीड़ आकाश, काफी कम है महिलाओं की, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ जो स्थान है वो पूरी तरह से भर जाएगा और जो महिलाएं हैं, चाहे वो जुगसलाई की बात करें, परसुड़ी की बात करें, साक्षी की बात करें, वहां लोग, महिलाएं यहां आएंगी और पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो कच्चे सूते से ये जो होलिका दहन होना है उसे बांध रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं, क्योंकि ये 2 वर्ष से जो कोरोना की स्थिति थी आकाश, कोरोना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, ऐसे में होली का जो त्योहार है वो काफी फीका पड़ गया था, लेकिन अभी जैसे ही कोरोना का संक्रमण धीरे 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 कम हो रहा है, लोग जो हैं अब वो अपने घरों से निकल रहे हैं और इस 2 साल में जो शारीरिक समस्याओं से जो कोरोना के समय में उन्होंने झेला है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी का प्रकोप जो है वो जल्द से जल्द दूर हो और जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक समस्याएं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सारे जगहों पर पर्व त्योहार जो है वो फीके पड़ गए थे, लेकिन फिर एक उल्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जो है ईश्वर से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैश्विक महामारी का प्रकोप हो वो भी दूर हो और होली के रंग में पूरा देश जो है वो रंग जाए और जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो। आकाश, प्रवीण, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि सबसे पहले आपको शुक्रिया कहूं क्योंकि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड भारत के लिए, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि होली का त्यौहार है और होली के मौके पर हमारी ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे इलाके को ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन इससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे प्रवीण कि तैयारियां तो हो रही हैं, लोग पारंपरिक तरीके से आज पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फगुआ का जो वो एक युग हुआ करता था जब अलग अलग स्थानों पर फगुआ गाया जाता था, वो दौर अभी बचा है हमारे गाँव समाजों में, खासकर जमशेदपुर में, या फिर अत्याधुनिक वो डीजे का प्रचलन वहां भी शुरू हो गया है?
आकाश, जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों की सोच मानसिकता भी बदलते जा रही है। आपने कहा थोड़ी देर पहले कि वो फगुआ का रंग जो गांव गांव देहात में देखने को मिलता था, और शहरी क्षेत्र में भी जितने भी ग्राउंड क्षेत्र से लोग आते थे यहां पर रोजी रोजगार के लिए, वो शाम के समय एकत्रित होते थे और फगुआ गीत गाकर इस माहौल को जो पूरा रंगमय कर देते थे। लेकिन आकाश, अब धीरे धीरे वो जो दृश्य है वो लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, लोग जो है डीजे की ओर रुक कर जा रहे हैं, लोग जो है मोबाइल पे ही सारा दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो एक जो जुटान होता था आकाश, एक जो एकत्रित होते थे लोग, लेकिन फिर भी आकाश कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो ऐसे परंपराओं को जीवित रखने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की हम बात बता रहे हैं कि जो रोजी रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र से या गांव शहर से या बिहार उत्तर प्रदेश से जो ज्यादातर लोग यहां पर आकर बसे हुए हैं, चूंकि ये तो झारखंड और पहले तो ये बिहार का ही एक अंश था, तो ऐसे बिहार का ही एक हिस्सा था, तो ऐसे में क्या है कि जितने भी यहां पर क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो पुराने हैं, वो लोग एकत्रित हुए और फिर वो फगुआ के गीत में पूरा माहौल जो है वो रंगमय हो गया। लेकिन ये दृश्य आकाश, आपने सही कहा कि बदलते समय के साथ ये दृश्य भी लुप्त होते जा रहा है, लेकिन ऐसा जो है बात प्रवीण वही है कि जिस तरीके से हमारा समाज विलुप्त हो रहा है, समाज ने उन तमाम चीजों को खो दिया जिसके बदौलत हम समाज कहलाते थे। हम इसलिए शहर से बहुत दूर थे, हम गांव में थे, लेकिन अब उन चीजों उन परंपराओं को लोग भूल रहे हैं। पर इसके बाद भी आज कई ऐसे लोग हैं जो लगातार उन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।